हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर टूल के बारे में। तो मिरर टूल हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमें सिमेट्रिक ड्राइंग बनानी हो। तो सिमेट्रिक ड्राइंग से मेरा क्या मतलब है कि उसको हम लोग अगर एक प्लेन से कट करें तो जो हमें दो पार्ट मिलेंगे वो दोनों आपस में सिमेट्रिक हो। तो मैं सिंपली एक 2D प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक 2D प्रोफाइल बना ली और अब मैं इसके लिए एक मिरर लाइन बना देता हूँ। मैं इस केस में सेंटर लाइन बना देता हूँ, आप चाहें तो सिंपल लाइन भी चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने मिरर लाइन भी बना दी। यहाँ पे आपको एक मिरर एंटिटीज का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी मिरर एंटिटीज का प्रॉपर्टी मैनेजर में खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है एंटिटीज टू मिरर, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ मिरर करनी है। तो मेरे को ये लाइन मिरर करनी है, ये लाइन और ये लाइन। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको तीन लाइन लिखी हुई है और आपने तीन लाइन सिलेक्ट किए। आप अगर किसी को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पे वापस क्लिक कर दीजिए या यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ और मिरर अबाउट सेंटर लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए, आपको एक प्रीव्यू दिख रहा होगा। येलो कलर की जो लाइन है ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक, अब आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये पूरा 2D प्रोफाइल बना होगा। जैसे अगर मैं टिक कर दूं तो देखिए आपको 2D प्रोफाइल दिख रही होगी एक। अगर मैं कंट्रोल जेड करके हटा देता हूँ और वापस मिरर करता हूँ, इसमें मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मिरर अबाउट दिस सेंट्रल लाइन और कॉपी से हटा देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा कि हमारी ये जो 2D प्रोफाइल है वो हट जाएगी। तो मैं टिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ की जो 2D प्रोफाइल थी वो डिलीट हो गई, लेकिन हमारा जो 2D प्रोफाइल को मिरर करना था वो यहाँ पे। तो अगर हमें दोनों ही प्रोफाइल चाहिए तो हमें वो कॉपी पे क्लिक करके रखना है। ठीक, तो एंटिटीज टू मिरर, मान लीजिए कि अब तो ये हमारी प्रोफाइल है, तो मैं इस पे क्लिक किया, कॉपी किया, मिरर अबाउट सेंट्रल लाइन और टिक कर दिया। तो देखिए हमारा पूरा 2D प्रोफाइल दिख रहा है। तो हम लोग मिरर टूल कब यूज़ करते हैं? जब हमें सिमेट्रिक 2D प्रोफाइल बनानी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।